is something special. Long dali shikara, oh baby, tera jaan se pyara. Oh baby, ev chamka dil saada, ke dikh gaya pyar ye patiyal vi. Hello. हेलो जी, कैसा सारे? बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं। और क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हमारे भी चल ही रहा है, कट ही रहा है। और मैंने फिलहाल सोनी का ट्राई किया था, सो रहा था मैं, लेकिन मैं सो नहीं पाया। और सो इसलिए नहीं पाया क्योंकि जो हमारा घर है, बात यह है कि अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 4:30, और 4:30 मतलब एकदम फुल धूप। और हमारे घर में अगर धूप आती है तो यहाँ से आती है, इस तरफ से आती है, मतलब उस तरफ से, और पीछे से भी आती है। तो मतलब ऐसा है कि पूरा घर फुल्ली एक्सपोज टू सन, और बहुत गर्म हो जाता है अपना घर, और सो नहीं पाते हैं भाई। मतलब बहुत ही दिक्कत होती है सोने में, तो नहीं सो पाते हैं। गर्मी से पूरी बॉडी नहा लेती है, तो नहीं हो पाता है सोना। कभी सो लेते हैं, ऐसी बात है भाई। और मम्मी क्या कर रही है? मम्मी का मन नहीं है बात करने का, क्योंकि दिक्कतें हमारी फैमिली में थोड़ी सही नहीं चल रहा है, काफ़ी कुछ बहुत कुछ गलत हुआ है। मम्मी का मूड ठीक करने के लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, वो चीज़ ये है। मम्मी चाय बना दो कड़क सी। अबे यार कौन सी लाइट है? ये आई ना आवाज़। तो देखो हमारी चाय कैसे बनाते हैं और फिर रिव्यू देखो तुम के ठीक है, गुड वाली। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। चलो ओए बंद कर टीवी, एयर म्यूट कर दे प्लीज प्लीज। इतना मैं डरा कर तू मेरे से यार। आंसू 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 हट ना, डरा मत कर मेरे से। मैंने इसमें काफ़ी कुछ मिलाया है, लेकिन आपको ना स्वाद थोड़ा थोड़ा नमकीन नमकीन में भी आने वाला है इसमें स्वाद। वो बहुत पसीना आ रहा था मेरे को, तो करना पड़ा थोड़ा। चलेगा? अरे मेरे तो पसीना है थोड़ा। अगर आपको इतना अच्छा स्वाद चाहिए तो गर्मी में बनाओ, पसीना है वो थोड़ा अगर चले जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई अब पंखा ऑन किया है और फिर आवाज़ आएगी। ठीक है, मिलता हूँ अभी। मस्त है ना आवाज़ पंखे की? तुमको अभी एक पंखे का एक किस्सा बताता हूँ, चलो। एक सेकेंड, ये लाइट ऑन हो गई। तो बात ऐसे देखो, आपको पता है अभी कंटेंट जो है नहीं घर में, कितना कंटेंट मैं खोल सकता हूँ घर में, नहीं है कंटेंट। तो आपको मैं बताता हूँ अपने घर का एक रहस्य। रहस्य ये है कि ये जो पंखा देख रहे हो, ये वाला पंखा, ये वाला। मैंने ना वैसे एक बात है, ये अभी टॉपिक के अलग, मैंने जब ये पंखे फिट किया था 2-3 दिन पहले, तो मैंने सोचा था कि मैं ना इस पर वो वाली रील बनाऊँ जो चल रहा है ना रनअवे वाला, तो लेकिन फिर उस समय मेरा मन नहीं किया क्योंकि बहुत बहुत पसीना वसीना भी आ गया था। इस कमरे में वैसे पंखा नहीं है, तो उसको फिट करने में भी बहुत बहुत हाथ पकड़े से खड़े हो गए थे, बहुत दर्द कर रहा था हाथ उसका। फिर मैंने मन नहीं किया कि मैं उस पर रील बनाऊँ। तो हाँ, अब इसकी किसका इस पंखे का किस्सा ये है जनाब, कि ये पंखा हमने फिट कर दिया था 2 दिन पहले, ठीक है। और 2 दिन पहले फिट कर दिया था पंखा, एकदम बढ़िया है, दिख बढ़िया रहा है, सब कुछ बढ़िया है, कंपनी भी अच्छी है, ठीक है। उषा की है, उषा का पंखा है। तो अब दिक्कत ये कि मैंने भी पंखा ऑन किया, ये आई ना पंखे वाली आवाज़, ये आई पंखे वाली आवाज, ओह ये पंखे वाली आवाज आई, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है यहाँ पे बताता हूँ। पंखा चल रहा है, तुमको दिख रहा है पंखा चल रहा है, मस्त आवाज़ आ रही है पंखों वाली,
दिक्कत क्या है कि कहीं पे तुमको दिख रहा है कि पंखे का कुछ असर है, कुछ हिल रहा है? दूर दूर तक कुछ देखोगे ना, ये नहीं हिल रहा है, कुछ कुछ भी नहीं। मतलब ये पंखे की स्पीड एकदम तेज़ है और ना इस पंखे का कुछ भी, इस पंखे का कुछ भी हवा नहीं है। तुमको अगर देखना है क्या कहाँ पे पंखा, देखो कम से कम मोर के पंखा, मोर के पंखे हिल रहे हैं देखो, ठीक है। और मैं पंखे के नीचे हूँ, हवा नहीं आ रही है, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हवा नहीं आ रही है। मतलब जितना दूर जा रहा हूँ पंखे से, जितना पास आ रहा हूँ पंखे के, कहीं पे भी भैया हवा नहीं है। मतलब ये पंखा क्यों लगाया है, और मतलब क्या क्या उखाड़ लिया इस पंखे ने, हमने पंखा ऐसे लगाया क्योंकि ये वो पंखा है और अंदर किचन है, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है पंखे क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है, ठीक है। तो मम्मी बहुत काम करती थी, मतलब कि अभी मैंने, तुमने देखा होगा कि बहुत पसीना आ गया था मेरे को, मैंने चाय बनाई थी, तो हमने सोचा था कि पंखा लग जाएगा तो मम्मी को इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पंखा होना ना होना एक ही बात हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस पंखे का हम क्या, ओ भाई इतनी गंदी लाइट, अभी मस्त है ना, अभी मस्त है। हाँ तो मैं कह रहा था कि पंखे का होना ना होना एक ही बात है। उषा ने बहुत अच्छा काटा है हमारा, बहुत अच्छा काटा है भैया, बस यार यही बताना था। अब और कितना कंटेंट निकालूं तुम्हारे लिए भाई। पंखा दिखने में एकदम बढ़िया है, पता है, बहुत सुंदर है, अच्छा दिखता है, लेकिन कोई काम का नहीं है भाई। हाँ देखो वो भाई झूल रहे हैं। हाँ भाई ब्लेड्स देखो तुम, ब्लेड्स एकदम सही है, ना कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है ब्लेड्स में, लेकिन फिर भी इसमें हवा नहीं आ रही है। तो अब ना मुझे इंटरनेट को वापस से जुगाड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने नेट पे देखा तो वो बोलते हैं ब्लेड्स में दिक्कत हो सकती है, या फ़ैन टेढ़ा हो सकता है, या जो फ़ैन की हाइट है काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो सकती है, लेकिन वो कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखते हैं, नहीं होता है तो फिर कुछ करते हैं, जाके बोलेंगे, बात करेंगे किसी से। तो ये बात है भाई, ठीक है, लाइट ऑफ करो। अब और क्या देखना तुमको वीडियो में, बस ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो। ध्यान रखना अपना, घर में रहो, ध्यान रखो, अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमको अपनी अगली वीडियो में। जय श्री राम, बाय बाय।